नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चिंतामन जवासिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आकाश सौदा में टीकम सिंह पिता दुल्हे सिंह यादव की लूट की नियत से आए अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और घर से जेवरात और नगद रुपए ले उड़े। लुटेरों के हमले में गंभीर रूप से घायल टीकम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक मनीष कपूरिया, पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह, सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, महाकाल सीएसपी रजनीश कश्यप, थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर पवासा, थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, चिंतामन जवासिया थाना प्रभारी महेंद्र मकाश्री, साइबर सेल प्रभारी विक्रम सिंह चौहान अपनी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, विवेचना प्रारंभ कर दी। सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी से चर्चा में आपने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार लूट को लेकर हत्या की गई है, जांच के बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। एफएसएल अधिकारी भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। डेड बॉडी को पीएम के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पर टीकम सिंह नाम का व्यक्ति निवास कर रहा था, वो उसकी मृत्यु हो गई, किसी लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा हत्या की गई है उसकी। जो प्राथमिक सूचना मिली थी उसमें यह था कि कुछ लोगों के द्वारा घर में घुसकर लूट के इरादे से घुसे हैं और घटना कारित की है उनके द्वारा और मार दिया गया है। यह मौके पर जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखा गया है और जो सूचना थी और जो परिस्थिति मिली है दोनों में काफ़ी विरोधाभास सामने आया है और हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। क्या लगता है कुछ मामला सामने आया? देखिए, यह तो स्पष्ट है कि व्यक्ति की हत्या तो हुई है, अब उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं और क्या घटनाक्रम हुआ है ये अभी जाँच के बाद सामने आ पाएगा।